सो व्हाट इज़ अप गाइस, ये है मेरा पुराना गेमिंग सेटअप और इसमें कुछ फेयर बदल करके मैंने बस तीन चार स्टेप्स फॉलो किए और ये है मेरा अभी करंट गेमिंग सेटअप। इन दोनों में इतना ही फ़र्क है जितना तुम्हारे और तुम्हारे क्रश के क्रश में है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँ कुछ तीन चार स्टेप्स लो बजट एकदम करके आप भाई मतलब इतना बवाल गेमिंग सेटअप बना सकते हो कि किसी ने सोची ना होगी, और इवन तो आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। और मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि आपके गेमिंग सेटअप में तीन चार वायर ऐसे लटकती रहेगी, आपका वाईफाई कहीं और आपकी इथरनेट केबल कहीं और रहेगी। और हाँ गाइस, जितने भी मैं बताने वाला हूँ ट्रिक्स, ये आप 100 रुपीज़ में कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये 100 रुपीज़ के अंदर किया है और मतलब मुझे बहुत चीप पड़ा है, चीप नहीं बोलूँगा सस्ता पड़ा। तो इसकी थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी यूज़ होगी, बाकी कुछ यूज़ नहीं करना है। पहला पॉइंट आता है आप अपने रूम में पोस्टर्स लगाओ। पोस्टर का क्या लगाओ, कुछ ऐसे लगाओ जिससे आपको लगो, जैसे मैंने यहाँ पे JDM वाइब लाने की कोशिश की बिकॉज आई एम ए JDM लवर, मुझे JDM कार्स बहुत पसंद है, मैं जापानीज कल्चर से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और मैंने यहाँ पे लगाया है WRC का एक पोस्टर लगाया है जो कि मैंने कैनवा में खुद के लिए कस्टमाइज किया था, मतलब पर्सनलाइज कर दिया था वो पोस्टर। दूसरा मैंने लगाया निशान R32 और R34 का लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ब्राउन कलर का टेलोन 10 के टेक्स लगाया है वो एकदम मस्त दिखता है। तो आपके पास अगर खाली वॉल है जिधर आपका पीस मतलब जहाँ पे आपका सेटअप रखा है तो वहाँ पे आप ये लगा दो, क्योंकि ये लगाने के बाद ना आपकी जो 50% काम है ना वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत मैटर करती है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, ये छोटी सी चीज़ है बट ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपका सेटअप सुधारने में। तो नंबर 2 पे चीज़ आती है वो है आपकी वायरिंग। तो ये चीज़ भाई बहुत 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 मेन है क्योंकि इसके बिना ना कोई सेटअप पूरा होता ही नहीं। आपको अपनी केबल मैनेजमेंट मतलब बवाल करनी पड़ेगी। इवन तो आपके पास अगर एक टेबल है तो एक आप काम कर सकते हो कि जितने भी वायर्स हैं या फिर जितने भी केबल्स हैं आप उसके पीछे से डाल सकते हो, और ये बहुत ही कूल लगता है अगर आपके सेटअप पे वायर नहीं रहती। मेरे डेस्क पे 3-4 वायर्स है, मतलब हाँ मैं मानता हूँ मेरे डेस्क पे है वायर, तो क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो यूज़ है। अगर आपके डेस्क पे कुछ नॉन यूज़ वाली चीज़ें हैं जैसे आपका कैमरा हो गया या फिर आपका कंपास बॉक्स हो गया या फिर कुछ बाटली हो गई तो जस्ट रिमूव इट, क्योंकि वो भाई अच्छा नहीं लगता। अगर आप ये सब क्लीन करना जानते हो तो नेक्स्ट लेवल। और थर्ड पॉइंट आता है वो है आपका क्लीन रखना सेटअप। एक सेटअप तभी पूरा होता है जब वो क्लीन रहता है, भले ही उसमें ना RGB हो ना उसमें पोस्टर्स हो, बट आप जब वायर मैनेजमेंट और क्लीनिनेस रखते हो ना अपने सेटअप में तब वो है ना बहुत से आता है। इवन तो मुझे OCD है, तो OCD मतलब कुछ नहीं होता है, एक डिसीज होता है जिसमें आपको है ना सिमेट्री में देखने की चीज़ें बहुत आदत रहती है, और अगर आपको सिमेट्री में नहीं कर पाते तो आपको थोड़ी बहुत चिड़चिड़ होती है नॉर्मल, ये बता देता हूँ। मतलब चीज़ों से आपको ऑब्सेशन हो जाती है और मुझे सिमेट्री से ऑब्सेशन है। तो मैंने अपना सेटअप इसलिए ऐसा बनाया कि एकदम सिमेट्रिकल बनाया, इवन तो मेरे जैसे पोस्टर है वो भी सिमेट्रिकल है। और हम ऑफ द टॉपिक होते जा रहे हैं अभी, तो आपको बस अपना सेटअप क्लीन रखना है, जितना क्लीन और जितना मतलब सेटअप पे आपका सेटअप है उस पर आपका माउस कीबोर्ड लैपटॉप या फिर जितना भी आपका स्टफ है उसके सिवाय कुछ और होना चाहिए। आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एक माउस पैड लगा सकते हो या फिर आप एक कपड़ा, इवन दो ज़्यादा मतलब कंबल टाइप नहीं चद्दर टाइप नहीं एक क्लॉथ आता है, या फिर आप एक रैप विनाइल रैप कर सकते हो आपके टेबल को, वो भी मस्त लगता है। तो कमिंग टू नंबर 4th वो है आपके एक्शन फिगर्स। आप अपने टेबल पे एक्शन फिगर्स रख के ना आपकी लुक जो है बहुत सही बना सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपका कोई कैमरा रहेगा तो हटा दो, या अगर आपका कोई स्टफ रैंडम जगह पे है तो उसको हटा दो क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं अगर आप आपका स्टफ सिमेट्री में रखते हैं जैसे मैंने बोला वो बहुत सही दिखता है। सो मैंने जैसे यहाँ पे अपना हेडफोन, अपने गेम कंट्रोलर, अपनी रिंग लाइट रखी मेरे पुराने वाले फ़ोटोज़ में, मतलब मेरे RGB लगाने वाले पहले वाले फ़ोटो में, तो उसमें आपको सही दिखता रहेगा क्योंकि मतलब मज़ा आ जाता रहेगा वो फोटो देख के। मुझे भी आ रहा था, मेरी ऑडियंस को भी आ रहा था जो इंस्टाग्राम पे, बाय द वे यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम, इट्स लिंक गिवन बिलो। तो ये बहुत सही दिखता है जब आप अपनी चीज़ें एकदम सही जगह पे रखते हो। तो थिंग इज हमेशा एक सिमेट्री में रहो तुम लोग, और जो आपकी चीज़ें आप एक्शन फिगर लगा, आप शज़ाम का एक्शन फिगर लगा सकते हो, आप सुपरमैन का लगा सकते हो, आप आयरन मैन का लगा सकते हो, आप हल्क का लगा सकते हो। काफ़ी लोग अभी शज़ाम का अपने इवन तो कैबिनेट के अंदर भी लगाते तो वो बहुत कूल लगता है। और कमिंग टू द 5th पॉइंट विच इज़ RGB, आप RGB लगा के कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में मतलब मेरे सेटअप पे जितना भी मैंने काम किया है वो बस मैंने 100 रुपये के अंदर किया है, तो ये सही है। मैं आपको अभी हिसाब दे सकता हूँ क्योंकि मैंने 50 रुपये मीटर के हिसाब से
राइट्स लाई जो मैंने 60 रुपीज़ की ली। अब मुझे नहीं पता 60 रुपीज़ की कितनी इंचेस ज़्यादा मिलती है। उसके बाद मैंने पोस्टर प्रिंट कराए, मेरे यहाँ पे 5-5 रुपये हो गए। और ये पोस्टर मैंने बनाए थे कैनवास से, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि कैनवास से ऐसे पोस्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं तो उस पर भी वीडियो ला देंगे, जस्ट कमेंट। नेक्स्ट थिंग आती है वो मेरी टेप, टेप क्या 10-20 रुपये की मिल जाती है, तो मतलब आपका काम रहता है। और ये जो पोस्टर्स लगाए मैंने, ये मतलब भाई तुम लोग कहीं से प्रिंट करा लो, तुमको हो जाएंगे। वैसे तो कलर प्रिंट अभी 10 रुपये के हो गए मेरे सिटी पुणे में तो, और जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है वो तो 5 रुपये में ही मिल जाता है, कहीं कहीं तो 2 रुपये में मिल जाता है। तो मतलब आप 100 रुपये के अंदर ना बहुत कुछ कर सकते हो अपने सेटअप में। इवन तो मैं और बड़ी स्लाइड स्ट्रिप ला के मैं RGB कर सकता था। तो थिंक कम नाउ कि भाई तुमने ये RGB जलाई कैसे, क्योंकि LED स्ट्रिप जो रहती है वो 12 वोल्ट की रहती है। तो मैंने क्या किया, सिंपली 2 अडैप्टर्स लिए, उसमें है ना केबल लगाई, 2 चार्जिंग वाले अडैप्टर्स, क्योंकि 12 वोल्ट तो अपने यहाँ पे आता नहीं, उसको लगाया। और एक ही मतलब दोनों पे USB लगाया, फिर उनको कंबाइन कर दिया। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो जल्दी लाऊंगा भाई, क्योंकि सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और फंकी और टेक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय, और डू चेक माई गेमिंग चैनल और रोस्टिंग चैनल टेलॉन 10K, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टेलॉन 10K। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।